आंखों के सामने चित्र दिखना, मूर्ति दिखना, इसकी बीमारी, तो आइए उसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त रंगी हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी एक लेडी मेरे पास में आई, उम्र करीब करीब 50 साल, और पिछले 2 साल से उसको तकलीफ हो रही है। अभी मेरे सामने पूरी उसकी हिस्ट्री है, काफ़ी अजीब से सिम्टम्स बताती है, इसलिए मैंने लिख के रखे है कि उसको होता है कि आंखें खोलने के बाद में आंखों के सामने मूर्तियां दिखती है और एक ही चित्र बार 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 बहुत समय तक चलते रहता है। फिर बार 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 एक ही विचार, एक बार आ गया कि बार बार विचार आते जाएंगे। फिर जो मूर्तियां दिखती है वो ऐसी गोल 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 घूमेगी, ऐसे लगती है कि गोल गोल घूम रही है। फिर उसको देखती है वो, तो उसको लगता है कि अपना बदन पूरा ढीला हो गया है। फिर सोने के समय जैसे ही आँख बंद हो जाती है तो उसको मूर्तियां चित्र दिखना चालू हो जाता है, तो फिर वो आंखें खोल लेती है, आंखें खोली तभी कभी कभी दिखता है। फिर उसको बहुत डर लगता है, वो कभी कभी भगवान की मूर्ति रहती है, कभी कभी बहुत अजीब सी मूर्तियां रहती है जिसका डर लगता है उसको। फिर सीने में धड़कन बहुत होती है, धड़ 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 हो जाएगा, आंखें दुखते हैं। फिर कानों में कभी कभी आवाज़ आती है, किरकिर किरकिर ऐसी आवाज़ आएंगी, एलिमेंट्री नॉइजेस, कोई कानों में आवाज़ आ जाएंगी। उसको लगता है ऐसा कोई कुत्ता भूंक रहा है, ऐसी आवाज़ आ जाएंगी, या ऐसा कोई कर 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 ऐसी आवाज़ आ जाएंगी। उसको दिन में बहुत गुस्सा आता है, फिर नींद फ्रेश नहीं होती, बड़े मुश्किल से 5-6 घंटे नींद लगती है और फिर नींद भी फ्रेश नहीं होगी। और फिर उसको ऐसा कभी कभी दिखता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी दीवार के ऊपर चढ़ रही है, ऐसा दिखता है उसको, फिर उतर रही है, चढ़ रही है, ऐसा कभी कभी होता है। और कभी वस्तुओं के कलर्स बदल जाते हैं, उसको दिखता है कि कलर ही बदल गया, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ये काफ़ी सारा चल रहा है 2 साल से, और 2 महीने से बहुत ज़्यादा है। एक विचार एक बार आ गया कि बार 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 विचार आता है। उसको हिस्ट्री पूछा तो उसके बेटे को भी वो प्रॉब्लम है, उसके बेटे को बार बार विचार आने का प्रॉब्लम है, उसी का प्रॉब्लम है, और वो उसी से परेशान है। और ये औरत ने बहुत सारी ट्रीटमेंट लिया मगर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये ऐसे ओसीडी टाइप है, मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और 2 साल से उसको हो रहा है। मैंने एंटी डिप्रेशन और एंटी ऑब्सेसिव दवाई दिया, जो बार बार विचारों के ऊपर काम करती है वो दवाई, उसको हिप्नोथेरेपी करने के लिए बोला, और दवाई और हिप्नोथेरेपी करके उसको धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। तो ओसीडी के अलग अलग प्रकार होते रहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, ये स्पेशली ऑब्सेशंस है, और उसमें वो चित्र दिखाई देते हैं, और उसको मालूम है कि ये चित्र जो है ये चित्र एक्चुअली नहीं है, उसको ऐसे आभास हो जाते हैं, और विचार आते हैं, और विचार आने के बाद में चित्र आते रहते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा लोगों को शेयर करो, क्योंकि ओसीडी बहुत लोगों को है और वो अच्छे हो सकते हैं, उनका जीवन अच्छा हो सकता है। हमारा मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आप पार्टनर बन जाइए। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।